सो हे गाइस, सनी वेलकम बैक टू माय चैनल अभी सनी। तो आज फाइनली रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर आ गया है। कुछ दिन पहले इस फिल्म का टीजर आया था। टीजर में हमें बेसिकली एक गाना सुनने को मिला था अरिजीत सिंह का, जो गाना लोगों ने कहा कि यार ये गाना तो चार्ट बस्टर हो जाएगा। ऐसा हुआ भी, वो गाना रिलीज हुआ, तुम क्या मिले वो गाना ब्लॉक बस्टर हो गया। मतलब मजा आ जाता है यार, अरिजीत सिंह की तो आवाज़ ही कुछ ऐसी है, सुन के मजा आ जाता है, दिल छू लेता है वो गाना। सो वो गाना रिलीज हुआ एंड आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। एंड ट्रेलर मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा था। मतलब ट्रेलर पूरी की पूरी करण जौहर फिल्म की वाइब देता है एंड वो देनी भी चाहिए, बिकॉज उनकी फिल्में इतनी ग्रैंड होती है, इतना पैसा लगाते हैं, एक एक सीन में लगता है वो करोड़ों खर्च करते हैं, इतने ग्रैंड लेवल पे वो फिल्में बना रहे हैं। एंड एक और चीज़ जो अंडरस्टिमेट नहीं करनी चाहिए कि करण जौहर का ट्रैक रिकॉर्ड 100% का, उनकी अब तक कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी फ्लॉप नहीं होगी, बिकॉज इस फिल्म का सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा यूनिक है। एंड ऑलरेडी ट्रेलर हमें इस चीज़ की पूरी गारंटी देता है कि ये फिल्म प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर होगी एंड आज के टाइम पे वैसी फिल्में चल भी रही है, चाहे वो तू झूठी मैं मक्कार हो या फिर जरा हटके जरा बचके या फिर सत्य प्रेम की कथा, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इससे ये पता चलता है कि फैमिली एंटरटेनर जो फिल्में हैं वो आज के टाइम पे बॉक्स ऑफिस पर चिपक चुकी है एंड लोग ऐसी फिल्में जाकर के देख रहे हैं थिएटर्स में। एंड आप जरा हटके जरा बचके कोई ले लो, उसका जब ट्रेलर रिलीज हुआ था उसको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उसके गाने इतने अच्छे थे एंड रील में इतने वायरल हुए वो गाने की फिल्म ने लगभग 85 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया। एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के भी गाने बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। एंड ट्रेलर में मुझे एक चीज़ जो सबसे स्टैंड आउट लगी वो इसकी कॉमेडी। चाहे शुरुआत में जो एक सीन है जब रणवीर सिंह कहते हैं यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो, तो आलिया भट्ट कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर रणवीर सिंह कहते हैं कि अरे नहीं यार इससे तो बॉडी बनाई है, चेकआउट नहीं करोगे तो क्या करोगे। बहुत ही ऐसे जैसे वो रविंद्र टैगोर वाला सीन, वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस है एंड काफ़ी अच्छे ऐसे पंचलाइन है जो बहुत फिल्मों में ऐसा रहता है कि वो कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा फोर्स्ड फील होती है, लेकिन इसकी जो कॉमेडी जो ट्रेलर में हमें देखने को मिली वो वैसा नहीं लग रहा है, वो काफ़ी सही कॉमेडी लग रही है एक्चुअल में। रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट की केमिस्ट्री तो हम लोगों ने ऑलरेडी गली बॉय में देख ही रखी है, तो उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होती है, उनको स्क्रीन पर देखना हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा है एंड इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं बात करूँ तो जो ट्रेलर से हमें देख के पता चला कि बेसिकली आलिया भट्ट एक बंगाली फैमिली को बिलोंग करती है, रणवीर सिंह एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो उनके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, वो कहेंगे कि एक दूसरे को 3 महीने के लिए स्विच करने के लिए रणवीर सिंह चले जाएंगे एक बंगाली फैमिली में, आलिया भट्ट आ जाएंगी एक पंजाबी फैमिली में। तो ऑब्वियसली बंगाली फैमिली एंड पंजाबी फैमिली का जो कल्चर है वो एकदम ही अपोजिट है, जहाँ की बंगाली फैमिली जो है वो ज़्यादातर यू नो स्वीट होते हैं एंड फन लविंग पर्सन होते हैं, थोड़े से शांत होते हैं, बट वहीं जो पंजाबीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, तो एकदम ही अपोजिट है। तो उनका जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो इसमें ऑब्वियसली नोकझोंक तो होंगी ही एंड इसी चीज़ को करण जौहर अपनी फिल्म में दिखाएंगी भी। वैसे इस सेम टॉपिक के ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इस चीज़ों को दिखाया था सुजीत सरकार ने अपनी फिल्म विकी डोनर में। अगर आप उस फिल्म में भी देखोगे तो हालांकि फिल्म तो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर थी, बट उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें थी। वहाँ पे भी आयुष्मान खुराना वाज पंजाबी एंड यामी गौतम वाज बंगाली, सो वहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें हमने देख रखी हैं कि क्या होता है या क्या दिखाया जा सकता है। तो अब करण जौहर इसमें कितना डिफरेंट दिखाएंगे ये भी देखने लायक चीज़ होगी। हालांकि करण जौहर की फिल्में आप उठा के देख लो, वो एक अलग ही लेवल पे फिल्में बनाते हैं, मज़ा आ जाता है। अगर वो रियलिस्टिक फिल्में भी बना रहे हैं जैसे कि माय नेम इज खान, उनको पता है कि चीज़ों को रियलिस्टिक भी कैसे रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप जैसे कि ऐ दिल है मुश्किल या फिर कभी खुशी गम देखी होगी, सो ऐसी फिल्में भी वो बना रहे हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये फिल्म डिसअपॉइंट नहीं करेगी एंड एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर होने वाली है एंड डेफिनेटली रणवीर सिंह का कमबैक भी इसी से होगा, बिकॉज रणवीर सिंह एज एन एक्टर इज वेरी गुड, बट उनको ऑब्वियसली पिछली कुछ फिल्में उनकी इतनी सारी फ्लॉप हो गई, चाहे वो सर्कस हो या फिर जयेश भाई जोरदार हो, तो ये सभी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बट इसके बावजूद भी फिल्में फ्लॉप हो गई वो अलग बात है। बट डेफिनेटली रॉकी और रानी फ्लॉप तो नहीं होने वाली है, ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, रणवीर सिंह का कमबैक भी इसी से होगा। सो ये था मेरा ओपिनियन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड ये वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। नो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ऑब्जेक्टिफाई यू। आई वाज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना, देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है जी, ऑल नेचुरल नो स्टेरॉइड।